बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 15 मई 2022 और दिन है इतवार का। दोस्तों अगर केसों की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो केस हैं उनमें वाज़ेह तौर पर जो कमी आ चुकी है, और अगर टोटल 3 दिनों की बात करें जो न्यू केस सामने आए हैं टोटल 3 दिनों के दौरान, तो वो आए हैं जी 38 अफराद के, और 3 दिनों के दौरान न्यू वफात हुई है जो इसी के रिलेटेड है। इन्हें और इसके साथ ही एक दूसरी न्यूज़ के ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बिन तारक साहब की तरफ से एक शाही फरमान जारी किया गया है 25/2022, और इस शाही फरमान जारी करने के साथ ही 115 अफराद की जो शहरियत है, जो अमानी शहरियत है, वो बहाल की गई है। यानी उनको किसी वजह से, किसी भी वजह से उनकी जो नेशनलिटी थी वो कैंसिल की गई थी, तो वो 115 यानी 115 पीपल की जो शहरियत है ओमान की, वो वापस बहाल कर दी गई है। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आपके साथ कुछ एक से दो दूसरी न्यूज़ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमती वीडियोस के लिए। और इसके साथ ही ओमान के महकमे मौसमियात ने कहा है कि कल यानी जो ओमान के साहली इलाके हैं, ख़ासकर जो ईरान बॉर्डर के साथ में आते हैं, यानी जो ईरान की तरफ से हवा के अंदर जो गर्द गुबार आएगा, तो थोड़ा सा उसमें जो नज़र आने का है वो वीक हो गई, यानी हवा में धूल मिट्टी हो सकती है। तो एहतियात करें अगर आप मेन रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि कल जो थोड़ा सा गर्द गुबार हवा के अंदर हो, तो एहतियात कीजिए इस हवाले से। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।